हेलो फ्रेंड, मैं आकाश। वेलकम टू प्लांट केयर गिवन। बॉटल गॉर्ड लौकी, इसे पॉट में ग्रो करना काफ़ी आसान होता है। इसे आप जब भी पॉट में ग्रो करें, हाइब्रिड सीड का यूज़ करें, उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। मैं इसकी सेकेंड टाइम हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ। ये मेरी तीसरी लौकी है जो इस पॉट में ग्रो की हुई है। फिग, अंजीर, मेरे गार्डन में सभी प्रकार के प्लांट हैं, चाहे वो फ्रूट प्लांट हो, वेजिटेबल प्लांट हो, फ्लावरिंग प्लांट हो या फिर ऑर्नामेंटल प्लांट हो, मैं सभी प्रकार के प्लांट ग्रो करता हूँ। मालाबार स्पिनच, ये एक वेजिटेबल प्लांट है, ये वाइन के रूप में ग्रो होती है। इसे आप ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह भी ग्रो कर सकते हैं। देखिए, इसकी पत्तियाँ काफ़ी बड़ी होती हैं, ये प्लांट भी देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। चौराई, ये एक वेजिटेबल प्लांट है, इसकी काफ़ी टेस्टी सब्जी बनती है, ये रेड कलर में भी आता है। मैंने इसे टब में ग्रो किया है, ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। कुलथी, क्लस्टर बीन, ये प्लांट भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, इसमें बीन्स लगना भी स्टार्ट हो चुकी हैं। लेमन ग्रास, इसे जराकुस भी कहते हैं, इस प्लांट के काफ़ी सारे फायदे होते हैं, ये प्लांट आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। बैंगन काफ़ी कलर में आते हैं, इसका एक प्लांट आपके गार्डन में 2 से 3 साल तक रह सकता है। स्टार फ्रूट प्लांट, इसके फ्लावर और फ्रूट दोनों ही देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं, इनके फ्रूट काटने पर स्टार शेप में आते हैं, इसलिए इसे स्टार फ्रूट प्लांट कहते हैं। एप्पल बेर, इसमें लगे बेरों का साइज काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए इसे एप्पल बेर कहते हैं। देखिए, इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसमें फ्लावर बर्ड आना स्टार्ट हो चुके हैं, इसकी लगभग सभी ब्रांच में फ्लावर बर्ड आ चुके हैं। ये खाड़ी प्लांट होता है और अगर आप फ्रूट लगाना पसंद करते हैं तो ये आपके गार्डन में ज़रूर होना चाहिए। वाटर स्पिनच, इसकी काफ़ी टेस्टी सब्जी बनती है, इसे कटिंग से ग्रो करना काफ़ी आसान होता है। अब इसमें फ्लावर बर्ड आना स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ ही समय में इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। इसके फ्लावर्स मॉर्निंग ग्लोरी की तरह ही होते हैं और देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। सेम बीन्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके फ्लावर्स विंटर फ्लावरिंग प्लांट स्टॉक की तरह होते हैं, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लगते हैं। फ्लावर ख़त्म होने के बाद इसमें बीन्स लगते हैं। आज मैं बीन्स की सेकेंड टाइम हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ।
ये अपराजिता का सीड पॉट है। ड्राई होने के बाद इससे आप अपराजिता प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। लॉन्ग बीन, इसे ग्रो करना काफ़ी आसान होता है। इसे आप किसी भी पॉट में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिलता है। लॉन्ग बीन, इसकी मैं काफ़ी टाइम हार्वेस्टिंग कर चुका हूँ। आज फिर मैं इसकी हार्वेस्टिंग कर रहा हूँ। भिंडी, ओकरा, लेडी फिंगर, इसे भी ग्रो करना काफ़ी आसान होता है। इसे भी आप किसी भी पॉट में आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसका भी मुझे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला है। ड्रैगन फ्रूट प्लांट, ये कैक्टस फैमिली को बिलोंग करता है। इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये 3 से 4 साल में फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है। अनार, अगर आप प्लांट के शौकीन हैं तो कुछ फ्रूट प्लांट तो आपके गार्डन में होने ही चाहिए। चाहे वो अनार हो या फिर चीकू हो, एप्पल बेर हो या फिर स्टार फ्रूट प्लांट हो, एक या दो फ्रूट प्लांट तो आपके गार्डन में होने ही चाहिए। रेन लिली, ये 3 कलर में आते हैं, येलो, वाइट और पिंक। मेरे पास फिलहाल येलो नहीं है। सभी बल्ब से ग्रो होने वाले प्लांट में रेन लिली मेरा फेवरेट है। कैना लिली, ये ट्यूबर से ग्रो होता है। ये प्लांट अक्सर आपको किसी रोड साइड में लगा हुआ दिख जाएगा। ये प्लांट मैंने रोड साइड से ही कलेक्ट किया है। ये काफ़ी कलर्स में आते हैं, मेरे पास भी काफ़ी सारे कलर्स हैं। ये प्लांट आपको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करना चाहिए। ये एक हार्डी और परमानेंट प्लांट होता है। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और लंबा वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।